अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। मैं हूँ यासिर और आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये उन लोगों के लिए है जो आते हैं और आके थोड़ा काम करते हैं दो चार दिन और डर के भाग जाते हैं। ये वीडियो उनके लिए है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक लड़का है जो मेरे साथ अभी बैठा हुआ है वो फ्रंटिंग से होके आया है, जिसने एक साल फ्रंटिंग पे काम किया है और एक साल के बाद वो प्रमोट होके अभी वेरिफिकेशन कर रहा है। और ये भी बताऊंगा कि उसने इस मंथ में कितनी सेल्स की हैं, टॉप पे जा रहा है वो, और आपको ये भी बताऊंगा कि उसकी कितनी सैलरी बनी है इस मंथ की और उसका इंक्रीमेंट कितना लगेगा। अभी हम उससे बात करेंगे, मैं आपसे उनसे मिलाऊंगा। बाकी ये है कि काफ़ी सारे लड़के आए हैं मेरे पास, कराची से भी आए हैं और कंटिन्यू मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास काफ़ी लड़के आए कराची से भी और सिंध से, काफ़ी दूर से या पेशावर से भी लोग आते हैं, पेशावर से काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं KPK से। तो ये है कि आते हैं और आके दो चार दिन काम करते हैं और उसके बाद डरते हैं और चले जाते हैं वापस डर के। या तो कोई कह रहा होता है जी सख्ती बहुत ज़्यादा है, कोई कह रहा होता है जी काम नहीं हो रहा ये वो। यार काम कोई इतना मुश्किल काम तो है नहीं, कोई इतना हैवी काम तो है नहीं कि आपने जोर लगाना है जिसमें, ठीक है, चुप करके बैठ जाओ। आपको कोई निकालता नहीं है कभी भी कंपनी से। आप एक बार इंटर हो गए, आप इंटरव्यू पास करके आगे काम पर, आपको कभी भी कोई निकालता नहीं है। यार बंदा अपना दिल लगा के काम करे और उसके बाद जो है अपना मतलब टाइम दे अगर कंपनी को, तो वो बहुत आगे निकल सकता है। इसी तरह की एक पर्सनैलिटी से मैं आपको आज मिलाऊंगा, वो बहुत ही मोटिवेटेड और ये है कि बहुत अच्छा काम करने वाला लड़का है भी छोटा सा, इतनी ज़्यादा एज नहीं है उसकी और उसका भी एक्सपीरियंस एक साल अभी पूरा नहीं हुआ। लास्ट ईयर जुलाई में वो आया था और अभी ये मई है, मई जून जुलाई अभी 2 मंथ रहते हैं साल पूरा होने में उसको, मतलब 10 मंथ हुए हैं और वो वहाँ से प्रमोट होकर वेरीफिकेशन पर आया है और वेरीफिकेशन पे इस मंथ में उसने 1 लाख रुपए वाला टाइटल मार लिया है। 1 लाख, 1 लाख कितना है जी, 1 लाख मेरे ख्याल 1,20,000 रुपये। मिलवाता हूँ मैं ज़हीर खान से। ज़हीर खान का तल्लक पेशावर KPK से है और ये हैं जी हमारे ज़हीर भाई, इनका नाम है ज़हीर खान और ये हैं KPK से इनका तल्लक है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। तो यार ज़हीर भाई, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करूँगा, आपने उनका आंसर करना है। सबसे पहले आप ये बताएँ कि आप हैं कहाँ से और आपकी एज कितनी है, और ये आपने ये बताना है कि आप मार्च में आने से पहले कहाँ पे काम करते थे, कोई काम का एक्सपीरियंस है नहीं, और उसके अलावा आपने ये बताना है कि मार्च में आपको कितना टाइम हो गया और आपकी पहले सैलरी कितनी थी, अब सैलरी कितनी है और अभी आपका टाइटल कौन सा लगा, ये भी बताना है आपने। और इसके अलावा आपने ये बात बतानी है कि अभी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कितना लगने वाला है। मेरी एज 18 साल हो गई है और मैं मार्च BPO में काम कर रहा हूँ, पिछले जुलाई से तकरीबन साल होने लगा है। तो मैं इस टाइम वेरीफायर हूँ, वेरीफिकेशन में मेरी प्रमोशन हो गया है, ये महीना हो गया, मंथ हो गया। सबसे पहले इस मंथ हमारा 1 लाख वाला टाइटल लगा है। ये बताओ आपका टाइटल कौन सा लगा है यार? मेरा इस टाइम 22 CPA वाला लग गया, लाख वाला टाइटल। 1 लाख वाला टाइटल लग गया। और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट कितनी होने वाली है? तकरीबन कुछ 40 चालीस होने वाली, 40 या इतनी। कितनी आप फंडिंग पे थे, कितनी सैलरी थी आप? फंडिंग पे हमारी 28 थी, उससे पहले जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो 25,000 थी, 25,000 से हमने स्टार्टिंग लिया था। और व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें कि जो भाग जाते हैं आगे काम करते हुए भाग जाते हैं? नहीं यार, इसमें बहुत कुछ, आपके स्किल्स बेहतर होते हैं, इंग्लिश स्किल्स बेहतर होते हैं, यह है काम थोड़ा सा शुरू में इंसान का वो होता है, मगर बाद में जब बिल्कुल जब बाद में आप थोड़ा वो हो जाते हो तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है कि भाई जी हम वो हो रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में कोई जॉब इस तरह नहीं है जिसमें इतना पैसा हो, ये एक ऐसी वाइज जॉब है कॉल सेंटर की जिसमें आपको पैसे मिल रहते हैं, बैठे बैठाए काम है, इसमें आपके स्किल्स बेहतर होते हैं, एक तो आपके इंग्लिश स्किल्स बहुत बेहतर हो जाते हैं, बस यही है कि आप ये कॉल सेंटर जॉब अच्छी है। सही है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये था जी ज़हीर खान, आप इसे मिलें। और ज़हीर ने आपको बताया उसकी कोई इतनी खास एज भी नहीं है, छोटा सा लड़का है और उसको टाइम हो गया काफ़ी यहाँ पे काम कर, काफ़ी क्या टाइम हुआ, 10 महीने हुए हैं उसको काम करते हुए, 10 मंथ्स में उसने प्रमोशन भी हो गया उसकी और अभी उसकी बेसिक सैलरी 40 होने वाली है और इसने टाइटल जो इस मंथ में हिट किया, टाइटल उसने 22 CPA सेल्स किए हैं तो उसका टाइटल हो गया 1 लाख रुपये उसके बने, ठीक है। तो यह है कि हर बंदा कर सकता है, किसी के लिए ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। अभी आपने आपको मैंने एक एग्जांपल दे दी है ज़हीर की, तो यह है कि आपने कुछ करना नहीं है यार, आपने आगे बैठना है
सिर्फ बैठना है आपने, ठीक है। आपको काम के लिए कोई कुछ नहीं कहता, अगर कोई सख्ती करता है तो वो आपकी बेहतरी के लिए करता है सख्ती है, ठीक है। वो आप क्या सख्ती करता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपको यही कहता है कि सेल्स करो यार, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं कहता, कोई मारता तो नहीं है, ये इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। हाँ, जैसे कि ज़हीर कह रहा था कि सख्ती नहीं होती, देखो देखो जब बंदा एक यूज़ टू हो जाता है काम करने पर एक जगह पर, तो उसके लिए वो सख्ती सख्ती नहीं रहती, ठीक है। तो ये है कि आपको बस चुप होकर काम करना होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, और इसमें मैंने आपको बताया जो कि इस तरह से ज़हीर खान कैसे आगे गया है। तो आप लोग भी आगे जा सकते हैं यार, मोटिवेशन बंदे को हमेशा होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए बंदा, बंदे को काम करने का दिल होना चाहिए तो बंदा आगे निकले जाता है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और भी जो लोग आना चाहते हैं मास वीपीओ में तो उनको मैं हेल्प करूँगा। किसी और सेंटर में जाना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी मुझसे पूछें, मैं ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को रिप्लाई करूँ, कमेंट्स में भी जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेज करते हैं मैं उनको भी रिप्लाई करता हूँ, और जो लोग कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं मैं, मेरी कोशिश होती है कि हर कमेंट का मैं उस जवाब दूँ उस तरह से।